तो ये सामने देख सकते हो आप छोटा सा डोर, और अगर मैं इस डोर की बात करूँ तो इस डोर के अंदर छोटी छोटी स्टेयर लगी हुई है राउंड में। सो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक और नए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड दिस प्लेस नेम इज़ खमीस मॉस्को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो खमीस मॉस्को है, ये बिल्कुल जो बहरीन में एक प्लेस है टर्शन, उसके नज़दीक में ही एक खमीस प्लेस में यह खमीस मस्जिद है। तो लेके जा रहा हूँ मैं आज आपको और दिखाऊँगा मैं आपको खमीस मस्जिद। मैं बता दूँ आपको कि जो खमीस मस्जिद है, ये बहरीन में फर्स्ट मस्जिद है, वो भी 7th सेंचुरी की। तो दिखाता हूँ आपको खमीस मस्जिद, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो बहरीन के फ्लैग, एंड ये जो हाईवे आप देख रहे हुए है खमीस का हाईवे, और यहाँ पे है अल मॉस्को खमीस की विजिटर सेंटर। तो यहाँ से एंट्री होती है बिल्कुल अंदर से, सामने देख रहे हो आप, यहाँ से अंदर के लिए एंट्रेंस होती है। और ये कुछ अल खमीस के बाहर का व्यू आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अगर आप अल खमीस मॉस्को में विजिट करते हो। अच्छा प्लेस है विजिटिंग के लिए, आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक इजीली वहाँ पे कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। बट इसकी मैं टाइमिंग बता दूँ आपको कि रमादान के टाइम में इसकी जो टाइमिंग रहती है वो 10:00 to 2:00 इसकी ओपनिंग टाइमिंग रहती है। अदरवाइज अगर रमादान ना हो तो ये फुल डे ओपन रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो मीटर, कितना मीटर है, 21.76 मीटर इसकी जो लेंथ है। तो ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये है अल खमीस मॉस्को, या बिल्कुल सामने देख रहे हो। ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, बड़े बड़े स्टोन हैं इसके अंदर, और इसको स्टोन और लकड़ी से ही बनाया गया है। तो ये स्टोन भी कुछ अगर बात करें तो ये कुछ अलग ही वैरायटी के स्टोन है, ये भी कुछ इस तरह से देखने को है। बड़े बड़े स्टोन है इसके अंदर, एक के ऊपर एक स्टोन लगाया गया है, और कुछ इस तरह का व्यू है अल खमीस के अंदर का, ये आप देख सकते हो। अगर दोस्तों इस खमीस मस्जिद को अगर अरबिक लैंग्वेज में आप अगर ट्रांसलेट करते हो तो इसका नाम होता है मस्जिद अल इसामिस, और इसको बहरीन की फर्स्ट मस्जिद माना जाता है 7th सेंचुरी में। और इसको जो है तो उमेद कलह अमर के कार्यकाल में इसको बनाया गया था, और अल वार्स के जो पत्रकार थे कासिम हुसैन के अनुसार इसको बनाया गया था। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, और 17th सेंचुरी का ये प्लेस है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ है वो 22.79 मीटर है, एंटेरियर साइट 113 मीटर है इसकी, और विड्थ देखें तो 20 मीटर इसकी विड्थ है टोटल। तो इसको 7th सेंचुरी में इसको फाउंडेड किया गया था, और बहुत ही अच्छा प्लेस है, देख सकते हैं आप। लकड़ी और जो डेट्स की लीव्स होती है इसको ऊपर डाला गया, इसके द्वारा इसका जो रूफ टॉप बनाया गया है, छत बनाई गई है, और काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेस नहीं है, बट आपके लिए काफ़ी अच्छा है, अगर मॉर्निंग टू इवनिंग में आते हो तो बहुत अच्छा प्लेस है आपके लिए। और ये कुछ इस तरह से मॉस्को है बड़ा ऊपर के लिए, तो यहाँ से छोटा सा डोर था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये डोर आपको दिखा दिए जाए, और इसके अंदर की जो स्टेयर है वो भी आपको थोड़ी सी दिखा दी जाए। तो ये देख सकते हो कि छोटा सा डोर है, इसके अंदर ये स्टेयर कुछ इस तरह से राउंड में बनी हुई है, और इस तरह से कुछ अंदर का व्यू है इसका।